देखो, क्या? मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ नहीं, मेरा कुछ अलग ही है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और अवधि में मैं कॉमेडी बनाती हूँ। जौनपुर से हूँ, जिसको नहीं पता होगा, और एक लड़की होने के नाते मुझे लगा आना चाहिए। और सुन के जब एक दो दिन हुआ, हम भी सुनने बहुत दुख हुआ। इवन मैं एक एक बजे दो दो बजे तक ही वीडियो देखती रह जाती थी आप लोगों की ही, जो डालते थे। और मैं पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि गलत अफवाहें आप लोग प्लीज मत डालिए। हाँ, कि अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज पैसे के लिए गलत मत बोलिए, क्योंकि एक माँ पे जो गुजरा है ना, वो सब कोई नहीं समझ सकता, वो दर्द जो उनपे हुई है। क्योंकि किसी के घर का आंगन के चिराग जो चली गई है, मतलब अब किस वजह से क्या हुआ है वो तो अलग है, बट कोशिश करूंगी आप लोग उनका साथ दीजिए हमेशा तक, जब तक उनको न्याय ना मिले आप लोग खड़े रहिए उनके साथ के लिए। और गलत अफवाह प्लीज मत फैलाइए। वीडियो सब डाल रहे हैं, वो बिल्कुल मत करिए। आप लोग कुछ और डाल, और हमेशा उनके साथ खड़े रहिए आप लोग। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से सबका नाम खराब हो रहा है। हाँ, वही ना, ये चीज बहुत बुरी बात है। कहा जाता ना, गेहूं से गेहूं, मतलब गेहूं घुनो पिसा था, तो वही हाल है। जैसे आप गलत डालेंगे तो आपको भी गलत इफेक्ट पड़ेगा, और फेक फेक न्यूज मत। हाँ, आपको क्या लगता है कि उनका न्याय मिलेगा या नहीं? मिलेगा ही, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग चाहोगे तो मिलेगा ही। आप लोग अब गलत फैलाओगे कि नशेड़ी गजेड़ी थी, तो थोड़ी ना न्याय मिलेगा। आप लोग अच्छी चीज से प्रमोट करोगे तब ना मिलेगा, और वो अच्छी थी ही। आप लोग को नहीं लगता, एक दिन पहले जो लड़की रील बनाएगी और फिर इतने खुश होकर डांस करके बनाएगी, पार्टी से आ रही है, आप लोग देखे वीडियोस, फिर जाके होटल मैनेजर का भी लीजिए कि जब उनके माँ के कहने पे आप लोग ने वीडियोस नहीं दिया, तो बाद में वो लोग ने क्यों वो वीडियोस डाला, ये भी तो मतलब पूछने वाली बात है। और फिर जब वो उतना ही डाले तो पूरा डालिए, जो 70 मिनट तक आदमी था, लाइट बंद थी, वो क्या कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार करके उससे जांच किया जाए, पूछा जाए वो कौन था, क्योंकि वो बहुत उनके क्लोज था, तभी ही वो 70 मिनट तक उनके साथ था, अदरवाइज क्यों रहता। और अगर मान लो वो पार्टी से आई, नशा कर रही थी या नहीं कर रही थी, जाँच में तो मिला कुछ नहीं था उनके बॉडी में ना, जो जाँच में बताया ना पोस्टमार्टम में, तो अगर जाँच में नहीं था तो उनके जो होटल रूम था उसमें बॉटल क्यों रखा हुआ था, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी मतलब पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। और इनकी मतलब मॉम से मेरी बात हुई, वो कल तक का और वेट करेंगी, उसके बाद जाएंगी माननीय योगी जी के पास, तो पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय दिलाएंगे ही, क्योंकि योगी जी किस, हाँ वही है, मैंने भी वही बोला, आप वहाँ तक जाइए, अब वेट मत करिए। और जितना ज्यादा लेट हो रहा है, जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतना अच्छा, नहीं हाँ। तो किसी और बेटी के साथ ऐसा हो, और क्या, और समाज में ही दिक्कत है यही। अपने फोटो भी देखे होंगे, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो जो आकांक्षा दुबे है, आपने सुसाइड की है कि? देखो भाई, फोटो देख के हम कैसे कहें क्या लगता, हमें तो बहुत कुछ लगता है, लगने का बहुत कुछ लग सकता है। लग रहा है कि अब उनकी मम्मी बॉडी देखी पोस्टमार्टम के बाद मणिकर्णिका घाट पे, कि कोई निशान नहीं था, अभी किसी को लटकाएंगे तो निशान तो रहेगा ही, तो निशान भी नहीं था, हाथ पैर पे खाली, या फिर अगर पहले से ही पॉइजन वगैरह दे के कुछ किया गया था, तो जांच में कुछ आया है कि ब्राउन कलर की कुछ उनके बॉडी में थी ना, तो वो अब उनकी उनका काम है अब। और इनकी इनकी माँ का डिमांड है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तो हम लोग का भी यही डिमांड है, इवन मेरा नहीं पूरी जनता का, क्योंकि आप लोग जो न्यूज डालते हो कमेंट भी पढ़ लिया करो जी। पूरी जनता यही बोलती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हम लोग को भी उनके लिए मतलब न्याय मांग रहे हैं हम भी, कि मिलना चाहिए एक लड़की होने के नाते, क्योंकि आज उनके साथ हुआ, कल और किसी के साथ होएगा। और ये रोली जौनपुरिया इस पीड़ित परिवार के साथ कितना खड़ी है, मैं 100% अपना दूंगी, और क्या, थैंक यू। मैं यही बोलूंगी, जब भी उनको मेरी जरूरत पड़े एक बार मुझे बोलेंगे, हम जरूर आएंगे। और सब, अगर मैं चाहती तो नहीं भी आती, लेकिन मुझे लगा आना चाहिए, बहुत दुख हो रहा था एक हफ्ते से ही, हाँ एक हफ्ते से वीडियो देख रही थी, अब आ गई तो थोड़ा ठीक लगा, मेरे भी दिल में ऐसा था कि क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मम्मी का फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार, उनको अपनी तरफ से क्या कहिएगा? देखो, सभी को साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बॉलीवुड बन जाए भोजपुरी इंडस्ट्री, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला दबा दिया गया। हाँ, गरीब लोग का मामला क्यों दबा दिया जाता है भाई, अभी वही थोड़ा और वो रहते, विधायक मंत्री रहते, हाई फाई घर से रहते, तो उनका बराबर 10 लोग रोज लगे रहते। लेकिन एक जब नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के साथ कोई नहीं खड़ा रहता, सब डरता है भाई, हमहू सामने जा भाई, तू ही हमहू पीसा भाई। सबसे मेन बात तो ये, गांव वाले या कोई भी हो फैमिली का मेंबर, खड़ा रहना चाहिए, ये नहीं कि भाई हम न जाम नहीं, हमहू के ले ही हमहू गिरफ्तार करें, ये चीज गांव वाले इसी चीज से डरते हैं ना, कि हम न जाम मीडिया सामने, भाई होता है ऐसा। लेकिन हम सोचते हैं सबको सामने आना चाहिए,
और बस यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले, बस और कुछ नहीं।